KKZ, आप देख रहे हैं फ्रेंड मेरा चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, फ्रेंड यदि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं 21 दिन के भीतर, तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। फ्रेंड फ्रेंड आपको पता होगा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है डिफरेंट रीजंस के कारण बहुत सारे चीज़ों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ होता है। यदि आप कॉलेज एडमिशंस वगैरह में भी जा रहे हैं और या फिर नए यदि न्यू बेबी बोर्न हुआ है तब भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। फ्रेंड यदि आपका बेबी का या फिर आपके बच्चे का जो जन्म है वो यदि आपका हॉस्पिटल में हुआ है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहीं बन जाता है, लेकिन यदि आपका जो बेबी है उसका यदि बर्थ जो है आपके घर में या फिर और भी कहीं भी किसी भी रीजन से किसी अलग अदर लोकेशंस में यदि आपका होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे 21 दिन के भीतर। तो फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके बर्थ यदि हॉस्पिटल ने छोड़कर और कहीं भी होता है, घर पे होता है या फिर अदर किसी भी प्लेस पे होता है, तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट क्या है आप अपने 21 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CRS ORGI के अंदर, ठीक है, आप 21 दिन का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और इस वीडियो में आपके भी बताऊंगा फ्रेंड कि यदि आप 21 दिन यदि आपका 21 दिन बीत चुका है, 21 दिन से ज़्यादा हो चुका है, ईयर हो चुका है या फिर 5 साल हो गया है, उससे भी ज़्यादा यदि आपका ईयर हो चुका है और आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप कैसे बनवाएंगे, इसके लिए आपको सिंपल सा एक शुल्क देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा और उसके सपोर्टेड कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन मैं अभी आज के इस वीडियो में टोटली तरीके से फोकस करूंगा कि आप 21 दिन के भीतर आप जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चे का बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें बताऊंगा कुछ कुछ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो फ्रेंड यदि बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके माता पिता या फिर फादर्स मदर्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड और कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह की डिटेलिंग है, तो आप अपने साथ रखें और अपने अपने आप ही आप इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी अगर ब्राउजर ओपन कर लें और यहाँ पर सर्च करें फ्रेंड, आप सर्च करें CRS ORGI government.in, ठीक है, वेबसाइट आप देख लें फ्रेंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऊपर आप सिंपली तरीके से क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है टोटली ओपन होने में, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस का जो वेबसाइट है आपका ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड यूजर लॉगिन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यदि आप यूजर लॉगिन नहीं क्रिएट किए हैं अपना तो आप क्रिएट कर लें यहाँ से फ्रेंड, जनरल पब्लिक साइनअप से जाके आप क्लिक कर लें। यदि आपको एक साइनअप क्लिक करने नहीं आता है, क्रिएट करने नहीं आता, तो मैंने ऑलरेडी इसका जो वीडियो है वो बना के रखा हुआ है, मैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही अपना यूजर आईडी डालूंगा और अपना जो पासवर्ड क्रिएट किया है मैंने उसे मैं इंटर करूंगा और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करूंगा। तो आप यदि साइनअप करना नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट पे है, तो मैं यहाँ साइनअप करना आपको नहीं बताऊंगा, आप उसे सिंपली तरीके से देख लें। मैं यहाँ पर अपना जो आईडी है उसे मैं पेस्ट करूंगा और मैं अपना यहाँ पर जो पासवर्ड है फ्रेंड मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करूंगा और मैं यहाँ पर जो अपना कैप्चा है इसे मैं फील करूंगा। और लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा देखिए फ्रेंड आप क्या आप बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज के अंदर आ जाएंगे और आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आईडी है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर देखिए होम बटन के जस्ट बगल में ही आपको बर्थ एंड डेट का जो बनाने का जो ऑप्शन है आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ऐड आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि मैं आज की वीडियो में बर्थ सर्टिफिकेट ही बनाना बताऊंगा आपको कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर देखिए बर्थ रजिस्ट्रेशन आपका जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं सबसे पहले आपको ये सब चीजें बता देता हूँ, उसके बाद मैं जितने फॉर्म है मैं आपको एक ही साथ भर के आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो प्राइमरी लैंग्वेज ऑलरेडी यहाँ पर आपका इंग्लिश होगा फ्रेंड। जो सेकेंडरी लैंग्वेज है फ्रेंड आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी आप सेलेक्ट कर लें। और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्म नंबर, इफ एनी फॉर्म नंबर, ठीक है। तो फ्रेंड जब आप ऑफिशियली अपने जिला के अंदर जब जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा यदि आपके पास फॉर्म दिया गया है तो वहां पर ये नंबर ऑलरेडी प्रिंट होता है। यदि नहीं भी दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको भरने की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास वो फॉर्म नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ दें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपोर्टिंग डेट फ्रेंड ऑटोमेटिक आपके सिस्टम से जनरेट होगा ये, ठीक है, आप रिपोर्टिंग डेट अपने सिस्टम से आप ऑटोमेटिक जनरेट कर लें, ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका लीगल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसमें कि आपका इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड
यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको चाइल्ड का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना है। इस वाले पेज, इस वाले ऑप्शंस में आपको देख सकते हैं, इस वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें आपको चाइल्ड का इन्फॉर्मेशन देना है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर बच्चे का, जिस दिन बच्चे का ने डेट जिस दिन बच्चे का बर्थ हुआ, जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया, उस दिन के आपको डेट सेलेक्ट करना है। उसका लिंक सेलेक्ट करना है फ्रेंड, लिंक सेलेक्ट करना है। लिंक सेलेक्ट कर लें, जो भी होगा, मेल फीमेल जो भी होगा, उसका फर्स्ट नेम। यदि उसका नामकरण हो चुका है फ्रेंड, तो उसका नाम आप यहाँ इंटर कर दें, मिडिल नेम इंटर कर दें और उसका लास्ट नेम इंटर कर दें। फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक कॉलम और दिया हुआ है, जहाँ पर आपको सिंपली तरीके से जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि हिंदी में, हिंदी में आपको टाइप करना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको टाइप करना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है, याद रखिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए गूगल इनपुट टूल है, गूगल इनपुट टूल यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यदि गूगल इनपुट टूल आपको इंस्टॉल करने नहीं आता, तो फ्रेंड इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है मेरे प्ले लिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गूगल इनपुट टूल से यहाँ पर आप हिंदी में नाम लिख लें, उसका मिडिल नेम हिंदी में नाम लिख लें और इसका अंतिम नेम आप हिंदी में लिख लें, ठीक है। तो याद रखना, आपको यहाँ पर सेकेंडरी लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। यहाँ पर आपका इंग्लिश में नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये बच्चे का इंफॉर्मेशन होगा। इसके बाद फ्रेंड ईमेल आईडी आपको देना है। ईमेल आईडी देना बहुत जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि ईमेल आईडी आप देंगे तो आपकी इसी मेल ईमेल आईडी पे जब आपका जो भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ही जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है आपकी ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा। अदरवाइज आपके जो जिला है वहां से आपको डायरेक्ट पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ईमेल आईडी जरूर दें। यदि इस बच्चे का इनरोलमेंट हो चुका है, आधार कार्ड का इनरोलमेंट करा चुके हैं आप, तो यहाँ पर उसका आधार नंबर दे दें, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बात करते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब उस बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक है। मतलब प्लेस पूछ रहा है, मतलब उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट जन्म स्थान चुने। यदि फ्रेंड उसका जन्म यदि हॉस्पिटल के अंदर हुआ तो हॉस्पिटल सेलेक्ट करें, अदरवाइज देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा हाउस का, तो आप घर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, घर वाला सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड यहाँ पर, कि घर में हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर ऑनलाइन ही बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर हाउस सेलेक्ट करने के बाद जन्म स्थान ही सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको उस बिल्डिंग का नाम आपको लिखना है, उस हाउस का नंबर नेम देना है और ए फ्रेंड जो हो सकता है स्ट्रीट का नेम देना है आपको, पोस्ट देना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और विलेज सेलेक्ट करना है। देन फ्रेंड आपको पिन नंबर सेलेक्ट करना है। फ्रेंड देखिए ये बर्थ का जो प्लेस हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें आपका जो आधार कार्ड के अंदर जो आईडी डिटेल दिया हुआ है, एड्रेस डिटेल दिया हुआ है, वो मैटर नहीं करता। ये बर्थ का जो डिटेलिंग है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेल हो इससे मैच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लिए अभी नीचे और कॉलम है जिसमें आपको उसका स्थायी पता देना होता है, जो कि आपका सेम टू सेम आधार में जो डिटेल दिया हुआ है, नाम और उसका जितना भी एड्रेस का जितना डिटेल प्रूफ है वो आपको आधार कार्ड के नाम से ही आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जो आपका प्लेस है वो डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है आप दूसरे स्टेट से हैं और मतलब हो सकता है आप दूसरे जिला से हैं और आप किसी दूसरे जिला के हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो वहां पर उसका डिटेलिंग यहाँ फील होगा फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। वो डिटेल यहाँ पर फील करना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको आधार कार्ड का डिटेल यहाँ फील करना है। जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है, जिस भी जगह पे हुआ है, उसका डिटेल यहाँ पर आपको फील करना है। मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर फादर का इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, पिता की सूचना। तो देखिए फ्रेंड, इसमें पिता का फर्स्ट नेम देना है, पिता का मिडिल नेम देना है यदि है तो, और पिता का लास्ट नेम देना है यदि है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए पहला नेम फ्रेंड आपको हिंदी में लिखना है, मध्य नेम है तो, मिडिल नेम है तो हिंदी में लिखना है और अंतिम नेम भी है तो हिंदी में टाइप करना है फ्रेंड। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया है फ्रेंड, आपको गूगल इनपुट टूल का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, पिता का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है, उसका ईमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिल करना है फ्रेंड, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आपको ये सब चीजें डिटेल फिल करने पड़ेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं फ्रेंड अभी आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। इसके बाद मैं वीडियो को पॉज करके मैं पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर लूंगा, तो आप इस वीडियो इस जो भी बात बता रहा हूँ मैं, वो सब चीज को आप ध्यान से सुनिए और सिंपली तरीके से भरते चले जाइए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मदर का इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मदर का फर्स्ट नेम देना है, मदर का लास्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है और मदर का लास्ट नेम देना है। इसी तरह से हिंदी में आपको मदर का फर्स्ट नेम देना है, मदर का मध्य नेम देना है और मदर का लास्ट नेम देना है, हिंदी में लिखना है आपको। उसका आधार नंबर डालना है, उसका ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर इंटर करना है फ्रेंड। तो इतना इन्फॉर्मेशन फ्रेंड आपको पता चल चुका होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो फोर्थ या फिफ्थ जो कॉलम दिया हुआ है आपके पास, रो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। मतलब फ्रेंड यहाँ पर जो है पेरेंट्स का जो एड्रेस है उसको फिल करना है, याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। पेरेंट का जो बर्थ है,
बच्चे का जो बर्थ प्लेस है तो उसमें पेरेंट का जो एड्रेस है उसको फिल करना है। यह एड्रेस डिफरेंट हो सकता है फ्रेंड, जो आपके आधार ना जो आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है उससे डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई जो बर्थ जो चाइल्ड के बर्थ के टाइम, बच्चे के जन्म के टाइम, हो सकता है कि माता पिता कुछ दूसरी जगह पे हो, तो उसका एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, आप अपना जो आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है एड्रेस है उसको भी फिल कर सकते हैं। लेकिन इन द केस यदि आपका बर्थ जो है कहीं दूसरी जगह हुआ है, ठीक है, बच्चे का जन्म के टाइम माता पिता कहीं और थे, किसी अदर जगह पे थे, तो उसका डिटेल आप भर सकते हैं। इसमें भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप आधार कार्ड में जो डिटेल है वही भरें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पास जो ब्रिज नंबर आपको देना पड़ेगा, हाउस नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा, स्ट्रीट नंबर टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पास हिंदी में भी आपको फिल करना पड़ेगा फ्रेंड, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, और यहाँ पर स्ट्रीट नेम हिंदी में टाइप करना पड़ेगा फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का भी डिटेल दिया है, पोस्ट ऑफिस इंग्लिश में भरें, स्टेट सेलेक्ट करें, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, और अपना यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करें। अब फ्रेंड यहाँ पर जो है जो पोस्ट का हिंदी में भी आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल इनपुट के टूल के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपको अपना पिन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक और एड्रेस आ चुका है, परमानेंट एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स। मतलब फ्रेंड यहाँ पर जो है अभी माता पिता का जो भी स्थायी पता है, जो भी आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेलिंग है, आधार कार्ड के अंदर जो परमानेंट एड्रेस है उसी को फिल करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पर आप कुछ भी डिटेल फिल नहीं कर सकते, जो आपके आधार कार्ड के अंदर जो डाटा आप फिल करने वाले हैं वही डाटा आप फिल करेंगे फ्रेंड, जो आपका डाटा होगा, ठीक है फ्रेंड। यदि आपका फ्रेंड वर्तमान, ये आप ये समझ सकते हैं कि आपका ये वाला जो एड्रेस है वो वर्तमान एड्रेस है, और ये वाला जो आपका होता है वो स्थायी एड्रेस है, तो फ्रेंड देखिए आप ये जहाँ भी जन्म लिया है उस जगह का एड्रेस डाल सकते हैं आप, ठीक है। और यदि और यहाँ पर फ्रेंड आपको आधार कार्ड में जो डिटेलिंग है उसी डिटेल को फिल करना है आपके स्थायी पता में, क्योंकि यहीं से वो वेरीफाई करेंगे आपके एड्रेस को। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर फ्रेंड आपका जो है बिल्डिंग नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है इंग्लिश में, हाउस नंबर भी इंग्लिश में टाइप करना है, यहाँ पर आपका स्ट्रीट भी इंग्लिश में टाइप करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, बिल्डिंग नंबर भी आपको हिंदी में टाइप करना है, हाउस नंबर भी हिंदी में, और यहाँ पर फ्रेंड जो स्ट्रीट नेम है उसे भी हिंदी में टाइप करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस को आपको इंग्लिश में टाइप करना है। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस को अपना हिंदी में टाइप करना है। इसके बाद राज्य ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, सब डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, विलेज ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, और यहाँ पर पिन नंबर आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड। एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड, यदि आपका वर्तमान एड्रेस और आपका स्थायी एड्रेस सेम है तो फ्रेंड इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो इसका जितना भी एड्रेस आप फिल किए होंगे वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर देंगे तो ऑलरेडी फिल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद फ्रेंड देखिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन सूचनादाता जो भी यहाँ फॉर्म को फिल कर रहा है ऑलरेडी उसका जो यूजर नेम है यहाँ पर दिखाई देगा, और एड्रेस का जो डिटेलिंग है, चाहे वर्तमान एड्रेस हो या फिर परमानेंट स्थायी एड्रेस हो और पिन नंबर हो, ऑलरेडी फिल होके आएगा। तो फ्रेंड आपको इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, इसमें आपको इसको सेलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी आपका फिल होके आ जाएगा, एड्रेस आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि सूचनादाता आप खुद हैं, तो आपको इसमें सेलेक्ट कर देना है। जब सेलेक्ट करेंगे तो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा और पिन नंबर वगैरह भी फिल हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो मैं पहले इस फॉर्म को फिल कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी पूरे फॉर्म को फिल कर चुका हूं, ठीक है। आप भी इसी तरीके से पूरे फॉर्म को फिल कर लें, जितना हो सकता है उतना फॉर्म को फिल कर लें आप, ठीक है। और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा सूचनादाता, उसको यहाँ पर चेक कर दे ताकि पूरा एड्रेस डिटेलिंग जो है यहाँ पर फिल हो जाए फ्रेंड। तो इसी तरीके से फ्रेंड जैसे मैंने बताया है आपको, हूबहू ऐसे ही आपको टाइप करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, याद रखिएगा, ठीक है। आपको छोड़ना किसी भी चीज को नहीं है, आपको हूबहू फिल कर देना है जैसा आपका यहाँ पर डिटेलिंग बताया गया, मैंने जैसे बताया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सेव अस पे क्लिक कर देना है। सेव फ्रेंड, जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए जो दूसरा पेज होगा बर्थ पंजीयन का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर कुछ डिटेलिंग देनी हुई है, जिसमें कि माँ का निवास, शहर या गांव का डिटेल देना पड़ेगा, पिता या माता की सूचना देनी पड़ेगी, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेलिंग वगैरह आपको देनी पड़ेगी आपको इस वाले पेज में। तो फ्रेंड मैं आपको सब कुछ अभी बताने वाला हूँ, आप टोटली चीज़ों को आप बने रहें, और इसमें एक आपको जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा, मैं उस फॉर्म को भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पर टाउन ऑफ विलेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मदर्स, मतलब मदर का जो रेसिडेंस विलेज है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर मदर का निवास है, ठीक है।
तो देखिए जो राज्य है वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी ऑलरेडी सेलेक्ट है, और यहाँ पर फ्रेंड जो सब डिस्ट्रिक्ट है ऑलरेडी सेलेक्ट है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपकी जो मदर का जो जो भी पेरेंट्स है, या फिर वो मदर का जो है गांव है, टाउन है, रूरल एरिया है या उर्बन एरिया है। तो देखिए जो टाउन एरिया है, उर्बन एरिया है तो टाउन को सेलेक्ट करें, रूरल है तो विलेज को सेलेक्ट करें। विलेज यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड फादर्स एंड मदर्स इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पर आपको फादर और मदर का जो इन्फॉर्मेशन है आपको देना पड़ेगा, इनके एक्यूपेशंस का डिटेलिंग देना पड़ेगा, मतलब इन क्या काम करते वगैरह हैं, और इनकी एजुकेशन का लेवल यहाँ पर देना पड़ेगा आपको कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो जो रिलीजन्स धर्म पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ हिंदू, ठीक है। इसके बाद देखिए फादर लेवल ऑफ एजुकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है कि इनका एजुकेशन क्या है, यदि अशिक्षित हैं तो अशिक्षित भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि प्राथमिक मिडिल जो भी जितना भी इनका क्वालिफिकेशन है इसको आप सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। इसी तरीके से मदर का भी इंफॉर्मेशन है, मदर का भी एजुकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए फादर का एक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फादर का मतलब ये जो पिता है, पिता क्या व्यवसाय करते हैं इस बच्चे का, ठीक है। तो इसमें जो है आप कुछ भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप अपना डिटेलिंग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे भी आप सेलेक्ट कर लें, जो आपका एक्यूपेशन है, जो एक्यूपेशन है आप उसको सेलेक्ट कर लें, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर गृहिणी में सेलेक्ट कर लेता हूँ मदर के एक्यूपेशन में, और फादर के एक्यूपेशन में भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर लें, प्राथमिक व्यवसाय भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप यहाँ पर जो चीज़ें आप करते हैं उनको फील कर लें, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर दिया हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य सूचना आपको देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हिंदी में लिखा हुआ है माँ माँ की उम्र, ठीक है, पहली शादी के समय, मतलब जो शादी के समय माँ का उम्र कितना था। तो यहाँ पर आप देख दे सकते हैं अपने हिसाब से फ्रेंड, यहाँ पर मैंने यहाँ 20 ईयर्स दे दिया, और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड देखिए माँ की उम्र इस जन्म के समय, मतलब इस जन्म के समय माँ की उम्र क्या है। एक्चुअल में जो जो एज अभी है, जब इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जब इस बच्चे का बर्थ हुआ है, तो इस समय माँ की एज कितनी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं फ्रेंड अपना एज, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है अब तक इससे पहले, मतलब अब तक इससे पहले कितने बच्चे हुए हैं, ठीक है, इसकी डिटेलिंग आप दे सकते हैं। तो आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो आप एक सेलेक्ट करें, यदि दूसरा चाइल्ड है तो आप दूसरा सेलेक्ट करें, ठीक है, दो सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मतलब अभी इस मतलब इस माँ के अभी तक कितने बच्चे हैं ये सेलेक्ट बताया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से यदि फर्स्ट बच्चा है तो आप वन सेलेक्ट करें, दूसरा बच्चा है तो दूसरा सेलेक्ट करें। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी बताया जा रहा है कि प्रसव किस उद्यान के में संपन्न हुआ है, ठीक है, मतलब डिलीवरी की डिटेलिंग यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट अटेंशन टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है फ्रेंड, यदि ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है, यदि जो प्रारंभिक जो होते हैं हम लोग अपने परंपरागत रूप से, हम लोग जो अपने गांव के अंदर कराते हैं जो डिलीवरी कराते हैं, आप देखे होंगे बहुत ट्रेडिशनल होता है, बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में जो डिलीवरी होता है, क्या आप इससे रिलेटेड करते हैं, या फिर रिलेटिव और अदर्स, मतलब किसी अन्य रिश्तेदार वगैरह के घर डिलीवरी हुआ है तो उसकी डिलीवरी आप दे सकते हैं। यदि आपका जो डिलीवरी है डॉक्टर, नर्स या फिर ट्रेंड मिडवाइफ के द्वारा यदि किया गया है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर नर्स वाला सेलेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड, यदि आपके केस में कुछ और है तो आप यहाँ पर और कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीवरी मेथड्स बताया गया है फ्रेंड की डिलीवरी का मेथड्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड डिलीवरी का मेथड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि नॉर्मल है तो नॉर्मल आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो आपका जो बर्थ है, बर्थ वेट जो आपको दिखाया गया है, बच्चे का बर्थ वेट कितना है पैदा के समय, तो आप अपना अपने हिसाब से कुछ भी आप दे सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपका रहेगा आप अपने हिसाब से इसका वेट दे दें, जो बच्चे का बर्थ के टाइम जो वेट रहेगा, जो वजन रहेगा, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अपने हिसाब से फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड ड्यूरिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ द प्रेगनेंसी का बता रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो है गर्भ धारण का समय सप्ताह में आपको देना है कि कितना सप्ताह में गर्भ धारण हुआ है। तो फ्रेंड इसने आप वीक में बताना है फ्रेंड, दिन में नहीं बताना है, तो आप अपना कोई भी वीक दे दें, आप कितने वीक में ये मतलब कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने वीक ऐड कर दिया, लेकिन फ्रेंड आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में आपको क्या करना है फ्रेंड, और अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड आपको एक फॉर्म जो है इसको फिल करके मैन्युअली फिल करना है आपको, जिसमें कि माता पिता का जो डेट होगा, माता पिता का जितनी भी डिटेलिंग होगी वो आपको फिल करनी है,
बच्चे की भी कुछ डिटेलिंग आपको फिल करनी है, जितनी भी डॉक्यूमेंट या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन बच्चे के रिगार्डिंग आपके पास अवेलेबल है उसमें आपको फिल करना है, और माता पिता का आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राशन कार्ड, ये सब डिटेलिंग होनी चाहिए फ्रेंड। और आपको इस फॉर्म को फिल करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस फॉर्म को मैं पीडीएफ फॉर्म में ओपन करके। ये पीडीएफ फॉर्म मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें और इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको इसको पेन से फिल करना है मैन्युअली तरीके से, मैन्युअली तरीके से आपको फिल करना है, और दिखा देता हूं मैं फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड, मैं इसे थोड़ी सी जूम करके आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं फ्रेंड, जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। देखिए बर्थ रिपोर्टिंग है, एक रिपोर्टिंग फॉर्म है, देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए आपको हर एक डिटेलिंग भरना पड़ेगा, बच्चे की रिगार्डिंग, पेरेंट्स की रिगार्डिंग, और मदर की रिगार्डिंग, और फादर की रिकॉर्डिंग। देख सकते हैं ये बर्थ रिपोर्टिंग है, तो आपको सिर्फ बर्थ रिपोर्टिंग वाला ही फिल करना है फ्रेंड। ये जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगा है, एड्रेस की रिगार्डिंग, आधार कार्ड की रिगार्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको आपको फिल करना है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड। मैं एक बार और आपको नीचे करके दिखा देता हूँ फ्रेंड, इसमें 2 फॉर्म है उसको आपको फिल करना पड़ेगा फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर अभी जो आपका फॉर्म है ये आपका बर्थ वाला फॉर्म है, याद रखिएगा बर्थ के लिए जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। ये देखिए बर्थ रिपोर्टिंग फर्स्ट वाला ही फॉर्म जो है वो बर्थ का है। इसके नीचे आप चले जाएंगे फ्रेंड तो देखिए इसके नीचे जो है फ्रेंड ये डेट वाला है, तो आपको ये बर्थ वाला ही है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही बर्थ वाला ही, तो बर्थ बर्थ के नीचे यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर डेट वाला है, तो आपको डेट वाला नहीं भरना है, बर्थ वाला स्टिल रिपोर्ट है इसे भी आपको निकाल लेना है। और एक फॉर्म और है बर्थ सर्टिफिकेट का, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड, वो नीचे है जिसे कि आपको फिल करना है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है वो फॉर्म, ठीक है। उसे आप ये देखिए फ्रेंड, ये वाला जो भारत सरकार का दिखाई दे रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, इस फॉर्म को आपको भरना है। तो आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट कर लें, और प्रिंट आउट करके आप पेन से इसे फिल कर लें, ठीक है। क्योंकि इसको फिल करने के बाद जब आप इस फॉर्म को पूरी तरीके से सक्सेसफुल फॉर्म को सबमिट कर लेंगे, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा अपने फॉर्म को जमा करने के लिए फ्रेंड, याद रखिए, ठीक है, अपने रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म को मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी फॉर्म को आपको फ्रेंड पूरी तरीके से पेन से भर लेना है, और पेन में भर लेने के बाद आपको इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना है और एक पीडीएफ फाइल बना लेना है, ठीक है। 2-3 पेज हैं, 2-3 पेज को मैंने ही बताया, उन्हीं 2-3 पेज को आपको प्रिंट आउट करना है, उनको फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको भरना है। तो मैं सिंपली तरीके से फ्रेंड यहाँ पर देखिए ब्राउज पे क्लिक करूंगा, जब आप उसे फिल कर लेंगे पूरी तरीके से, जेपीजी फाइल पीडीएफ बना लेंगे, उसके बाद आप उसे फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली तरीके से इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर देखिए उसको पीडीएफ बनाने के बाद आपको अपलोड करना है फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट आप सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा सेकंड वाला पेज। तो देखिए एक और पेज आएगा फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा डिटेलिंग आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो भी आपने डिटेलिंग फिल की है शुरू से लेकर अंत तक उसकी पूरी डिटेलिंग आपको एक बार दिखाई दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप इस डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। यदि इस इंफॉर्मेशन में कोई गलती है, कोई डाटा में कुछ गलती है, तो आप डायरेक्ट इसे एडिट करके आप इसे सुधार सकते हैं, अदरवाइज सबमिट बटन पे क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं एक बार डायरेक्ट ही सबमिट कर देता हूँ इस फॉर्म को फ्रेंड। और फ्रेंड एक चीज और बताना चाहता हूँ, सबमिट होने इसे होने दें, और मैं एक चीज आप बता देना चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, जो देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेंड, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। देखिए फ्रेंड आपको मैं बता देता हूँ, इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर देखिए यहाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, और इसे पीडीएफ को आप डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लें। ये देखिए फ्रेंड इस पीडीएफ को मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया हूँ, और फ्रेंड आपको मैं बता देता हूँ कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इस पेज को पूरी तरीके से प्रिंट आउट कर लें, और प्रिंट आउट करने के बाद फ्रेंड मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो जो फॉर्म हमने अपलोड किया था, ठीक है, इस जो फॉर्म हमने अपलोड किया था अभी अभी कुछ समय पहले, मैं आपको दिखाया था जो बर्थ का जो फॉर्म था, इस वाले फॉर्म को जो आप फिल किए रहेंगे पेन के थ्रू, उस फॉर्म का जो हार्ड कॉपी रहेगा उसे भी आपको रखना है, क्योंकि इस फॉर्म को, और जो अभी हमने डाउनलोड किया ये वाली फॉर्म को,
दिखा देता हूँ फ्रेंड आपको ए वाली फॉर्म को जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये आपके दो पेज हैं, ठीक है, ये दो पेज हैं आपको, इस पेज को आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाके जमा करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। यानी आपके पास दो डॉक्यूमेंट हो जा रहे हैं, यहाँ पर जो आपने पेन से फिल किया था उस दो दो तीन डॉक्यूमेंट थे उसको भी आपको हार्ड कॉपी को रखना है, और जो अभी पीडीएफ हमने डाउनलोड किया उसको भी आपको रखना है। और उसको रखने के बाद फ्रेंड आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, और इसमें फ्रेंड देखिए माता पिता का जो भी डिटेल हो आपको लेके जाना है, इसमें आपका आधार कार्ड हो गया, माता का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, उनका एक्यूपेशन डिटेल यदि वगैरह है तो उनका क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह है, तो अब बच्चे के रिगार्डिंग जितना इन्फॉर्मेशन है वो आपको ले जाना है। साथ में ये जो फॉर्म था फर्स्ट वाला फॉर्म जिसमें मैंने पेन के थ्रू आपको भरने के लिए बोला, उसमें जो तीन फॉर्म मैंने बताया उस फॉर्म को भी प्रिंट कर लेना है, या फिर पेन से भरे रहेंगे उसे भी ले जाना है। और साथ में फ्रेंड अभी जो दो फॉर्म निकला, जो दो दो फॉर्म हमने डाउनलोड किया सबमिट करने के बाद, उस फॉर्म को भी आपको ले जाना है आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में फ्रेंड। रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे लेके जाएंगे फ्रेंड वहाँ वेरिफिकेशन होगा आपका, और वेरिफिकेशन होने के बाद फ्रेंड आपका 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपके ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा, या फिर आपको पोस्ट के थ्रू भेज दिया जाएगा फ्रेंड। ये जो डॉक्यूमेंट है, देखिए यदि आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस आपके ब्लॉक के अंदर मिल जाएगा, यदि आप नगर पालिका के अंदर डिपेंडेंट हैं या फिर उर्बान एरिया में रहते हैं, शहरी इलाका में रहते हैं, तो आपके नगर पालिका में रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहां भी आप ले जाके सबमिट कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये पूरी डिटेल थी, मैंने बता दिया हर एक चीज डिटेलिंग में कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो इस तरीके से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको 15 दिन के अंदर आपके ईमेल पे पहुंच जाएगा, या फिर आपको पोस्ट के थ्रू भी मिल सकता है, या फिर वहां जाके भी आप ले सकते हैं। तो बस मेरा बताने का मतलब इतना था फ्रेंड कि आप इसी तरीके से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, अपने हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।